अलावा वजीर आजम इमरान खान का फिर ऐलान, कहते हैं अपोजिशन दबाव में लाने की कोशिश कर रही है, एक ही मकसद है कि इन्हें एनआरओ मिल जाए। मुशर्रफ के एनआरओ ने 10 साल में 24,000 अरब का कर्जा चढ़ाया, दो जमातों ने खुलकर चोरियां की और बेदर्दी से मुल्क को लूटा, इन्होंने एक दूसरे पर केसेस बनाए, आर्म्स पकड़े गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दो रोजा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म से गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ ने मुलाकात की, तर्जमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक मुलाकात में DGISI भी मौजूद थे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमरीका और सऊदी अरब से मुतालिक अमूर पर बातचीत की गयी। दबाव बढ़ाने का फैसला, शहबाज शरीफ आज नून लीग और दीगर पार्टियों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती पॉलिसियों पर इजहार ख्याल भी किया जाएगा। गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन आर्डर जारी न होने पर एहतजाज का मुत्तफिका लाया अमल लाने पर भी गौर होगा। चन्योट डिप्टी कमिश्नर सैयद अमान अनवार ने DHQ अस्पताल का विजिट किया। इस मौके पर अस्पताल इंतजामिया को हदायत दी कि CT स्कैन मशीन का जल्द से जल्द इंतजाम किया जाए ताकि मरीजों को दूसरे शहर न जाना पड़े। हरिपुर हुकूमत की जानिब से तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फॉर बॉयज की खस्ता हाली महकमा तालीम की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। उधर दूसरी तरफ टेस्टिंग एजेंसी SCS की तरफ से मुनाकिद टेस्टों में बद इंतजामी और बच्चों के आउट होने की रिपोर्ट पर तमाम टेस्ट कैंसिल कर दिए गए। उधर पसरूर के कस्बा बडियाना में घर में आग लग गई। आग के 22 बच्चे समेत मियां बीवी झुलस कर शदीद जख्मी। रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कर दिया। पसरूर के नवानी कस्बा चौबारा से ताल्लुक रखने वाले 35 साल मेहनतकश अमजद हुसैन अपनी मिसाल आप हैं। अमजद हुसैन 100 किलोग्राम का वजन अपने दांतों में उठाने की अनोखी महारत रखते हैं। अमजद हुसैन के इस कारनामे को देखने वाले हैरान रह जाते हैं। हरिपुर और गिरदोनवा में डेंगू के वार तेज। गुज़श्ता रोज जुल्फिकार खान एडवोकेट ने DHQ का दौरा किया, डेंगू स्प्रे और एम्बुलेंस का फौरी इंतजाम करने का हुक्म दिया। कल से बाकायदा डेंगू मुहिम शुरू की जाएगी। साबिक वजीर जंगलात पंजाब मेंबर सूबाई असम्बली PP 88 मोहम्मद सप्तैन को लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। मोहम्मद सप्तैन को अदालत ने कुछ अर्सा पहले गिरफ्तार किया था। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने समाअत की, दरख्वास्त जमानत मंजूर करके इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। के करीब वाकया दरिया जहलम के किनारे कटाव का शिकार। कटाव रोज बरोज भरता जा रहा है, लोगों की लाखों रुपए की मालियत का रकबा दरिया बुर्द हो चुका। लोग दरिया के किनारे फसलें उगाने से गरेजा, हुकूमत से मदद की अपील। बखर महकमा सेहत के प्रोग्राम MNRC के मुलाजमीन ने मुस्तकिल न होने और तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। DC ऑफिस तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। पिपला में माजूर गूंगे और बहरे बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन सेंटर की बिल्डिंग की तामीर में मुसलसल टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली की तरफ से बार बार हदायत के बावजूद मसला जूं का तूं। पटवारी की हर धर्मी के खिलाफ स्पेशल बच्चों ने धरना दे दिया। दायरादीन पना गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल के हेडमास्टर अजीज अहमद खोकर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 1.5 साल की कारकर्दगी से बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ। स्कूल में दीनी और दुनियावी तालीम का आला निजाम मौजूद है।
घोड़ की पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। बाअसर अपराध की घर में घुसकर तोड़फोड़ और खवातीन पर तशद्दुद। तशद्दुद के बायस दो खवातीन समेत पांच अफराद जख्मी। कोटद्दू डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सादिक अली डोगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दायरा दीन पनाह के इलाके में अंधे कत्ल के मुलजिम को ट्रेस कर लिया गया। दर्जनों डकैती और हजनी की वारदातों में डकैत गैंग सरगना समेत तमाम मुलजमान गिरफ्तार। पसरू थाना सब की हदूद में चार रोज कबल गायब होने वाले नौजवान की लाश बरामद। पुलिस ने इत्तला मिलते ही लाश को कब्जे में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।